अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर बीएसएनएल के कर्मचारी 18 फरवरी से अनशन पर बैठे हैं। 3 दिन चलने वाले इस लाक्षणिक अनशन की कड़ी में नवीन पनवेल स्थित बीएसएनएल कार्यालय के कर्मचारियों ने भी काम बंद आंदोलन कर अपना असंतोष जाहिर किया है। देखते हैं इस लाक्षणिक अनशन की खबर विस्तार से। Fight for justice. न्यू पनवेल स्थित बीएसएनएल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल रखी गई है। बीएसएनएल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। इस हड़ताल में 15% फिटमेंट के अनुसार तीसरा वेतन करार किया जाए, देश भर में बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम दिया जाए, ऐसी विभिन्न मांगे रखी गई है। इस अवसर पर बीएसएनएल के अधिकारियों ने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताई। वैसे बीएसएनएल में जो नंबर पोर्टेबिलिटी बढ़ रही है, एमएनपी बढ़ रही है, तो आज एक पेपर में न्यूज देखा कि बोले हम मार्च महीने से एमएनपी का सर्वर ही बंद करने वाले हैं, ताकि बोले कोई एमएनपी कर ही नहीं पाएगा। तो इसमें हमको अभी डाउट लेने की एक ऐसी गुंजाइश हो रही है कि भाई बीएसएनएल के जब एमएनपी बढ़ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो जो दूसरे ऑपरेटर से जो हमारे पास आने वालों की संख्या है वो घटाने के लिए या बंद करने के लिए आप एमएनपी सर्वर ही बंद कर रहे हैं। अभी एग्जैक्टली पता नहीं कि उसका रीज़न क्या है, लेकिन ऐसा आज पेपर में न्यूज़ है कि मार्च के बाद में कोई एमएनपी नहीं कर पाएगा। तो मतलब ये ऐसी जो न्यूज़ आती है या ऐसा जो अपने को पता चलता है, तो इससे हमारा और मनोबल हमारा नीचे गिर रहा है। हमारे जी तौर से प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसा भी करके बीएसएनएल को प्रॉफिट में लाए, बीएसएनएल को आगे बढ़ाए, हमारे देश की जनता को सेवा दे, लेकिन हमारे हाथ जब बांध चुके हैं आप लोग, तो हम सेवा कैसे देंगे? या हम 4G स्पेक्ट्रम के लिए रो रहे हैं, उनको बोल रहे हैं 4G स्पेक्ट्रम हमको दो तो हम लोगों को सर्विस दे सके। जो मार्केट में चल रहा है, जो मार्केट में अवेलेबल है, अगर हम पब्लिक को नहीं देंगे तो हम इस कॉम्पिटिशन में आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर में जो हमला हुआ उसकी वजह से सब टेलीकॉम लाइनें बंद है, मगर हमारी बीएसएनएल सेवा वहां जारी रहेगी। सरकार बोल रहे हैं कि स्ट्राइक बंद करो तभी हम बात करेंगे, लेकिन ये आपका जो 6 लोग हो गए तभी आप भी बोल रहे हो कि अभी बंद करो। इसके पहले से हम लोग 2 साल से लड़ रहे हैं, तभी क्यों नहीं बात कर रहे थे सरकार? तभी हम लोग को सिर्फ आश्वासन देते रहे, और अभी ये घटना घड़ी है तब बोलते अभी तुम बंद करो स्ट्राइक। हम बंद नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। 3 दिन तक हम हमारा स्ट्राइक पूरा करेंगे हमारे सभी लोगों के साथ, और जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है उसके लिए हमारे जम्मू कश्मीर की सेवा चालू है। वहाँ कोई भी टेलीकॉम सेक्टर चालू नहीं है, लेकिन हमारे बीएसएनएल की संस्था उधर काम कर रही है। बीएसएनएल ही सब जगह काम करती है और बीएसएनएल ही सब जगह रहेगी। कोई कितना भी बोले बंद करेगी कंपनी, लेकिन हम बंद नहीं होने देंगे। हम कामगार सब एक है, हम एक रहेंगे और लड़ते रहेंगे। इस दौरान बीएसएनएल के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।